हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। दोस्तों एक बार फिर आप लोग के लिए कमाल का इन्फॉर्मेशन ले आया, जो कि आपका है हटिया से आसनसोल जाने वाली, जो कि पहले न्यू ग्रेट इंटरसिटी एक्सप्रेस नाम से जाने जाता था, लेकिन अब यह हटिया आसनसोल सल इंटरसिटी एक्सप्रेस नाम से जाने जाएगा, जो कि गाड़ी संख्या आपका 13514 है। अब बात करेंगे दोस्तों ये गाड़ी कब खुलेगी हटिया से और रांची कब पहुँचेगी, एक न्यू ग्रेडी कब पहुँचेगी और किस किस रूट से होते हुए जाएगी, कौन सा डिवीज़न है, तो इसी पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये हटिया में खुलने का टाइम है इसका 15 बजे, यानी कि दिन में आपका 3 बजे खुलेगी। उसके बाद आपका रांची जंक्शन आएगी 15:15 पर। उसके बाद फिर आएगी टाटी सिल्वे स्टेशन जो कि 15:40 पर है। उसके बाद आएगी मेसरा स्टेशन जो कि आपका 15:48 पर है। उसके बाद आएगी आपका बड़का काना जो कि आपका 16:43 पर है। उसके बाद हजारीबाग टाउन जो कि आपका 17:39 पर है। उसके बाद है बरही, ये आपका 18:23 का, यानी 6:30। उसके बाद आता है कोडरमा जंक्शन जो कि 7 बजे आपका है पहुंचने का टाइमिंग। उसके बाद आता है महेशपुर होल्ट 20 बजे, यानी कि रात में 20 बजे। और उसके बाद आता है नावाडी स्टेशन होल्ट जो कि आपका 20:19 पर है। उसके बाद धनवारा स्टेशन जो कि 20:36 पर है। उसके बाद आता है आपका जमुआ स्टेशन जो कि आपका 20:59 पर है। उसके बाद आता है न्यू गिरी स्टेशन जो कि आपका 9:30 यानी कि रात में 21:30 पर न्यू गिरी स्टेशन आएगी। उसके बाद मधुपुर जंक्शन जो कि आपका 22:11 पर पहुंच जाएगी। उसके बाद आएगा जमताड़ा जो कि 22:43 पर। और उसके बाद आता है चितरंजन जंक्शन जो कि आपका 22:58 पर पहुंचेगी। और अंत में आपका है आसनसोल जंक्शन जो कि आपको 23:40 पर आपका प्रस्थान करेगी। बता देते हैं दोस्तों, ये आपका 437 किलोमीटर का ये सफ़र होने वाला है और ये इसमें जो टोटल होल्ड होने वाला है वह आपका 15 होल्ड है जो कि आपका इसमें निम्नलिखित में आप लोगों को बता दिया गया। अब बात कर लेते हैं फेयर की। फेयर की बात की जाए तो चालू टिकट अगर लेते हैं तो 130 रुपये देने होंगे और अगर सेकंड सीटर के लेते हैं तो 165 रुपये देने होंगे और कार चेयर कर लेना चाहते हैं तो आपको 580 रुपये देने होते हैं। अगर तत्काल में यही कार चेयर में लेंगे तो 740 रुपये देने होंगे और तत्काल में अगर सेकंड सीटर लेते हैं तो 180 रुपये देने होंगे और जनरल के वही 130 रुपये दोस्तों। तो आशा करते दोस्तों हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आप लोगों